അജോ പേയ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഐറ്റം സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പറയും എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് പാർസൽ ചെയ്തിട്ട് അജോ 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 പ്ലീസ് ഡെർമിബ്രേഷൻ സ്കാർ റിവിഷൻ ഡീപ് സ്കാർസ് ബാപ് റേ ബാപ് केमिकल पीलिंग वन मंथ बैक इमीडिएट सन एक्सपोजर आपको काफ़ी कुछ लेजर है 2019 आपको अपॉइंटमेंट दिया था यहाँ आने के लिए हाँ, क्या बोला था आपको कि पूरा सही हो जाएगा अरे लेकिन रिजल्ट क्या बोला था आपको बहुत कम इम्प्रूवमेंट होगा आपको बहुत कम या कुछ होगा नहीं ज़्यादा बहुत डैमेज हो चुका है ऑलरेडी मेरी बात मानो कुछ मत करो अभी पूरा ये बर्न भी हुआ है अभी ऊपर से बेस्ट ट्रीटमेंट है नो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको सच बता रहा हूँ वो बर्न हुआ है ऊपर से क्या क्या किया आपने और अभी एक महीना हुआ है 6 महीने तो वेट करेंगे मिनिमम स्किन देखो हीलिंग होना है वापस 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 अब आप करते रहोगे तो कैसा हीलिंग होगा समझ रहे हो ना फिर क्यों कर रहे हो तुमको खुद समझना चाहिए एक ट्रीटमेंट एक साल में कराओ फिर भी ठीक है चलता है अब आप कितने ट्रीटमेंट करा रहे हो उस वही जगह पे आपका नाक सही कर सकते हैं हम चाहिए तो जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है आप आगे पैसे लेके तो इसीलिए हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इसीलिए हमने पूछा आपको आने के लिए किसने बोला तो क्या बोला होगा उसमें बहुत कम कितना महीने पहले सेंड किया था आपने हाँ दिखाओ हम पक्का बोलते हैं मैसेज में कि आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा मिलेगा नहीं और आप इतनी दूर से आ गए हैं हाँ या आपने दिसंबर को कांटेक्ट किया है अभी तब आपका बर्न भी नहीं हुआ है और तभी हमने बोला है कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट फिर हमने बोला है राइनोप्लास्टी हो सकता है डर्मोब्रेशन हमने फिर भी बोला है आप भाई देखो क्लियरली हम बता रहे हैं ना कि हमसे बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा तभी हम बता रहे हैं इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा आप इसके बाद अभी बर्न हुआ है अब मैं कैसे करूँगा सोचो ना नहीं आप इतनी दूर से आए आपके लिए बेस्ट है आप ट्रीटमेंट मत करो आप कन्याकुमारी जाओ थोड़ा वह घूम जाओ धूप में नहीं जाना धूप में होटल में रहो रात में घूमो लेकिन ट्रीटमेंट मत करो हम नहीं करेंगे आपका ट्रीटमेंट हमने बोला भी है और देखो आपको समझना चाहिए ये कितनी बार करोगे वही जगह पे वापस वापस वो स्किन खराब हो जाएगा और टाइम दो एटलीस्ट एक साल तक उसको रहने दो फिर सोचेंगे हम कुछ करना है तो जब आपने हमें कांटेक्ट किया दिसंबर में आपने ये ट्रीटमेंट नहीं कराया फिर एक महीने पहले आप कहीं और जाके ट्रीटमेंट भी कराया उस ट्रीटमेंट नहीं किया था सर केमिकल बर्न्स किया है ना जो टिश्यू क्रॉस पिल रहता है हाँ वो ट्रीटमेंट ही तो है समथिंग तो ट्रीटमेंट है केमिकल बर्न भी केमिकल पील भी तो ट्रीटमेंट है लेजर भी ट्रीटमेंट है माइक्रो ऑब्रेशन नीडलिंग सब कुछ जो आपने किया सब कुछ ट्रीटमेंट ही है बोलो ट्रीटमेंट फॉर डीप स्कार्स नहीं हो पाएगा भैया हमसे अभी कुछ नहीं करेंगे आप समझा करो प्लीज़ आप एक साल के बताओ मैं आपका कंसल्टेशन फी नहीं लगाता हूँ